नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। दिल्ली में पकड़े गए आईएसएस मॉड्यूल पर काम करने वाले तीन आतंकी और आतंकियों का प्लान अयोध्या, बड़ा खुलासा हुआ। इन आतंकियों के टारगेट पर शिलान्यास से पहले राम मंदिर था, अक्षरधाम मंदिर था, और इनके साथ ही इनके निशाने पर थे हिंदूवादी नेता। आने वाले त्योहारों के सीजन में आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे, और अगर पकड़े नहीं जाते तो उनकी प्लानिंग देश भर में 26/11 से बड़ा हमला करने की थी। मगर देश की चौकन्नी सुरक्षा एजेंसीज ने इन आतंकियों का प्लान अयोध्या डिकोड किया और तीनों आतंकी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। इनका पूरा प्लान क्या था, इन लोगों ने क्या क्या प्लानिंग की थी, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। आईएसआई की साजिश और आईएसआई का हाथ। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हुई आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, हिंदू नेता और आने वाला त्योहार का सीजन था। आतंकी रिजवान लखनऊ से गिरफ्तार, आतंकी अरशद मुरादाबाद से गिरफ्तार, आतंकी शाहनवाज दिल्ली से गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली से आई खबर की आज पूरे देश में चर्चा है। दिल्ली में आईएसआई के मॉड्यूल पर काम कर रहे आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल राम मंदिर आतंकियों के टारगेट पर था। इन आतंकियों के आने पर अक्षरधाम जैसे मंदिर भी थे। देश में 26/11 से भी बड़ा हमला करने की प्लानिंग की जा रही थी। देश के कुछ बड़े हिंदू नेताओं को भी निशाने पर लिए जाने की तैयारी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है। अब वो पुलिस के रिमांड पे हैं। एनआईए ने उसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा था। घोषित आतंकवादी के रूप में लगातार शहनवाज की तलाशी की जा रही थी, क्योंकि वो फरार था और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ठिकानों पे उसकी तलाशी की जा रही थी। लेकिन इस तलाशी के बीच में अब जो सेल है उसने जैतपुर के इसी इलाके से शहनवाज को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ पे छिपा हुआ था। इससे पहले शहनवाज 2016 में यहाँ पहुंचा था और शाहीन बाग के इलाके में रुका था, जहां उसकी मुलाकात रिजवान से हुई थी, और वहीं पे ये दोनों जो हैं वो आईसिस के संपर्क में आए थे। फरहतुल्ला गौरी नाम का जो हैंडलर है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो अक्षरधाम मंदिर का जो मास्टरमाइंड है, वो भी इनके जो हैंडलर है उसके टच में आया, और इसके बाद उसका दामाद और फरहतुल्ला, ये दोनों जो हैं ये यहाँ पे एक प्लान करने लगे। देश में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी कर रहे ये आतंकी काफी पढ़े लिखे थे। शाहनवाज आलम एनआईटी विश्वेश्वरैया नागपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा है। गिरफ्त में आया मोहम्मद अरशद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा इसने जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए किया है। जामिया से ही अरशद इस वक्त पीएचडी कर रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा मोहम्मद रिजवान ने नोएडा के कॉलेज से 2017 में आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। काफ़ी अरसे से ये लोग लगे हुए थे और इन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था, और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है, और जो मोहम्मद शाहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है, और मोहम्मद रिजवान अशरफ भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है और डॉक्टरेट कर रहा है। तो काफ़ी इनको नेट से उन्होंने लिटरेचर लिया हुआ था। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी डेडिकेटेड जो ऐसी तंजीमें हैं जो कि कुछ ना कुछ करवाना चाहती हैं, उनकी ओर से भी तमाम इनको गाइडेंस थी। अरशद को पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली से गिरफ्तार किए गए आतंकी मॉड्यूलर अरशद वारसी की ससुराल में आज फिर से जांच एजेंसियों की टीम पहुंची। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक जांच एजेंसी सदर कोतवाली के लाल मस्जिद इलाके में मौजूद रही। दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद से भी अरशद वारसी नाम का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। हम इसी इलाके में हैं। ये मुरादाबाद का लाल मस्जिद एरिया है, कोतवाली क्षेत्र है, ये फिलखाना एरिया है। यही पीछे गली से अरशद वारसी को उठाया गया है। भारत में हमले की साजिश रचने के लिए एक बार फिर आईसिस पाकिस्तान का नापाक कनेक्शन सामने आया। सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज समेत तीनों आतंकियों ने खुलासा किया है कि उनका हैंडलर आतंकी फरहतुल्ला गौरी है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है।
भारत से फरार होकर पाकिस्तान में बैठा फरहतुल्ला गौरी आईसिस के नाम पर भारत के नौजवानों को ऑनलाइन जिहाद के लिए रेडिकलाइज कर रहा है। फरहतुल्ला गौरी 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले का आरोपी है। 2002 में गौरी ने हैदराबाद में एसटीएफ ऑफिस में सुसाइड अटैक कराया था। आतंकी शाहनवाज फरहतुल्ला गौरी के हाथों की कठपुतली था। फरहतुल्ला गौरी अभी पाकिस्तान में है। फरहतुल्ला आईएसआई के इशारे पर काम करता है, जिहाद के नाम पर मुस्लिमों को भड़काता है। फरहतुल्ला गौरी 2002 अक्षरधाम मंदिर में हमले का आरोपी है। इसके साथ ही वो हैदराबाद में एसटीएफ दफ्तर पर हमले का आरोपी है। भारत के घोषित आतंकियों की लिस्ट में फरहतुल्ला का नाम शामिल है। फरहतुल्ला गौरी जो है, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ इनका हैंडलर है, जो अक्षरधाम जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड है, और उसका जो दामाद है वो भी सैफी, ये दोनों मिलके यहाँ पे दिल्ली में जो है वो उनको कमांड देते थे, और अपने पाकिस्तान में बैठे आका से जो गौरी है उससे कमांड लेकर वो यहाँ पे काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे हाइडआउट्स जो हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए थे, चाहे हैदराबाद हो या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, कहाँ वो छिप सकते हैं, कहाँ वो प्लान कर सकते हैं, ये सारे हाइडआउट्स भी जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे। आतंकी मोहम्मद रिजवान की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई, लेकिन जिस जगह वो रहता था वहाँ पर रह रहे लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका पड़ोसी इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शहनवाज समेत दो आईएसआई मॉड्यूल के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद रिजवान है, जो लखनऊ के कैंबल इलाके में इसी घर में रहता था। कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है उसने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ था और मौलवी की कोर्स भी उसने किया हुआ था। 8 दिन पहले वो इसी मकान में रहने के लिए बतौर किरायेदार आया था, लिहाजा आसपास के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे किराए पे रहता था। स्पेशल सेल की पुलिस, दिल्ली पुलिस के सेल ने उसे यहीं से गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये जो आईएसएस मॉडल था उसके लिए तीनों काम कर रहे थे। शहनवाज जो था वो मास्टरमाइंड था, और जो मॉड्यूल था आईएसएस का उसको उसका हैंडलर जो था वो पाकिस्तान का था, और इसी उम्मीद में वारदात को यहाँ अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम जो लोग थे वो उन्हें दिल्ली पुलिस के सेल ने गिरफ्तार किया है। देश की अलग अलग जगहों पर हुई आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, देहरादून, अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में भी छापेमारी की जा रही है। देश में आईएसएस नेटवर्क और आईएसएस की साजिश के खुलासे के बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये वायरल ऑडियो भारत में आतंकियों के हैंडलर फरहतुल्ला गौरी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वो मुस्लिमों को भड़का रहा है।